वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस महात्म्य में हम महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य का पुनः वर्णन का आएगा। उसके बाद हम ओंकारेश्वर महात्म्य सुनेंगे। उसके बाद हम केदारेश्वर महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य का वर्णन सुनते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे महामते, भक्तों की रक्षा करने वाले इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा को हम दोबारा सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि हे विभो, भक्तों के रक्षक महाकाल ज्योतिर्लिंग के भक्ति वर्धक महात्म्य को तुम आदर पूर्वक सुनो। एक बार उज्जैन नगरी में एक चंद्रसेन नामक राजा रहता था। वह सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाला इंद्र तथा शिव का बड़ा भक्त था। मणिभद्र नामक एक गण से मित्रता हो गई। एक समय उस मणिभद्र ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को बड़ी सुंदर चिंतामणि प्रदान करी, जो कौस्तुभ मणि के समान कांतिमान और सूर्य के समान प्रकाशमान थी, जो ध्यान करने, देखने और सुनने से भी निश्चय ही कल्याण कर देती है। शिव भक्त चंद्रसेन उसे अपने कंठ में धारण करने लगा, जिससे वह इतना शोभायमान हो गया जैसे देवताओं में सूर्य शोभायमान होते हैं। तब राजा चंद्रसेन की इस शोभा को सुनकर अन्य राजाओं को तृष्णा हो गई और वे उसके उस मणि पर अपना मन लुभाने लगे। वे चंद्रसेन से उस मणि को मांगने लगे, परंतु मणि को महाकाल के दृढ़ भक्त राजा चंद्रसेन ने उन राजाओं को नहीं दिया। इससे उन राजाओं ने अपना अपमान समझा। तब सब राजाओं ने चंद्रसेन को युद्ध में जीतकर मणि लेनी चाहिए और इस अभिप्राय से उन्होंने सभी राजाओं ने एकत्र होकर उज्जैन को चारों तरफ से घेर लिया। तब उन राजाओं से उज्जैन को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में चला गया और दिन रात उनकी पूजा करने लगा। फिर तो महाकालेश्वर ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया और संयोगवश जो ही एक गोपी अपनी गोद में एक बालक को लिए उस नगर में भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची, त्यों ही वह विधवा हो गई। परंतु कुछ देर तक वहां ठहरकर राजा के उस शिव पूजन विधान को भली भांति देखा और पुनः अपने घर आई। तब उस संपूर्ण चरित्र को देखकर उस गोपी के पुत्र ने बड़ी उत्कंठा से शिवजी का पूजन करने की इच्छा जताई और एक रमणीय पाषाण को लेकर अपने शून्य शिविर में बड़ी भक्ति से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अक्षत गंध आभूषण आदि और कृत्रिम प्रधार चढ़ाने लगा। कितने ही मनोरम पत्र पुष्पों से पूजा करने लगा, नृत्य करने लगा और बार बार प्रणाम करने लगा। जब इस प्रकार वह बालक शिवजी की पूजा में लगा ही रहा और समय होने पर भी भोजन के लिए नहीं आया, तो उसकी माता गोपी उसे बुलाने के लिए आई। परंतु उसके बार बार बुलाने पर भी वह शिव पूजा में लगा रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। शिवजी के आगे आंखें बंद करके बैठा रहा। तब उसकी माँ ने हाथ पकड़कर उसे खींचा और ताड़ना भी दिया, तो जब उसका बालक भोजन करने के लिए फिर भी नहीं उठा तो उसकी माँ गोपी ने शिवलिंग को दूर फेंक कर उसकी पूजा को नष्ट करना चाहा। माता द्वारा पूजा को नष्ट होता देखकर वह बालक बोला कि हे देव, ऐसा कहता हुआ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सहसा चेतना को प्राप्त कर शोकाकुल हो नेत्र खोल दिया। फिर तो उसके ऊपर महादेव जी की कृपा होते देर न लगी। उसी क्षण वह स्थान शिव जी का सुंदर शिविर बन गया और उस बालक ने देखा कि शिव जी की कृपा से वहाँ स्वर्णमय
बड़े बड़े द्वार तथा सुंदर कपाट और वंदरवान लग गए। वहां बड़ी ही सुंदर स्वच्छ नीलमणि की वेदियां शोभायमान हो गई, जिन पर अनेक अद्भुत तप्त सुवर्णों के कलश स्थापित हो गए तथा प्रकाशमान मणियों के स्तंभों से स्फटिक मणि जटित वह भूमि तल शोभित हो गया। और गोपी पुत्र जिस पाषाण की पूजा कर रहा था, वही उसके पूजन सहित कृपा सागर शिव जी के रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में उस मंदिर के मध्य स्थापित हो गया। फिर तो इस चरित्र को देखकर उस बालक का मन और भी विस्मित हो गया और वह क्षण भर के लिए परम आनंद सागर में मग्न हो गया। उसके पश्चात उसने शिवजी की स्तुति करी और बार बार प्रणाम करके सूर्यास्त हुआ देखकर शिवालय से उठकर घर को गया। वहां उसने क्या देखा कि उसका स्थान इंद्र भवन के समान स्वर्णमय बड़ा अद्भुत शोभायमान बन गया, जिसकी माता दिव्य आभूषणों से दैदीयमान होकर देववधु के समान स्थित होकर सो रही थी। फिर तो उस बालक ने शीघ्रता से अपनी माता को उठाया तो वह उठकर अद्भुत चरित्र को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। उसके मुख से गिरजापति शिव की प्रसन्नता को सुनकर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि जो रात दिन शिव का स्मरण करता है वह ऐसा ही सुखी होता है। उसके पश्चात उस राजा ने भी अपना नियम समाप्त किया और रात्रि में वहां आकर गोपी पुत्र के शिव के प्रसन्नकारक प्रभाव को देखा। उसके आनंद की कोई सीमा न रही। राजा चंद्रसेन प्रेम अर्शु बरसाता हुआ शिव नाम का उच्चारण करता हुआ बड़े वेग से बड़े प्रेम से उस बालक का आलिंगन करने लगा। उस समय अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। सब लोग हर्ष से शिव कीर्तन करने लगे। इस अद्भुत चरित्र युक्त शिव महात्म्य के देखने से नगर निवासियों की वह रात्रि क्षण भर के समान ही व्यतीत हो गई। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह गदगद हो गया। उधर वे सभी शत्रु राजा चंद्रसेन के नगर को घेरकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। इस समाचार को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन तो शिव का भक्त है और ये उज्जैन नगरी तो महाकाल की नगरी है, जिससे इसको जीतना असंभव है। भला जिसके नगर में ऐसे शिव भक्त बालक हैं और राजा चंद्रसेन का तो क्या कहना, जो महेश्वर का एकमात्र सेवक है। यदि हम लोग इनसे विरोध करेंगे तो शिव जी अवश्य ही हमारा विनाश कर देंगे। अतः यह राजा तो मित्रता के योग्य है, ऐसा करने से शिव जी हम पर भी कृपा करेंगे। ऐसा निश्चय करके उन सभी शत्रु राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग दिया और महाकाल की नगरी में प्रवेश किया तथा राजा चंद्रसेन से मित्रता करके महाकालेश्वर शिव की पूजा करी। इसके पश्चात उन सब राजाओं ने राजा चंद्रसेन के भाग्य की प्रशंसा करी और उस दिव्य गोपी के घर गए, जिसका पुत्र बड़ा ही शिव भक्त था। वहां भी राजा चंद्रसेन सहित उन सब ने शिव जी की पूजा करी तथा गोपी और उसके पुत्र ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने प्रसन्न होकर उस शिव भक्त गोप के पुत्र को बहुत सी कीमती वस्तुएं प्रदान करी तथा सभी राजाओं ने संपूर्ण देशों में जितने भी गोप थे उनमें उसी को राजा बनाया। इस समय वहां सब देवताओं से पूजित वानरों के राजा हनुमान जी प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर सब राजाओं ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन किया। उन सबके मध्य में पूजित वानरों के स्वामी हनुमान जी ने उस गोप पुत्र का आलिंगन किया। सब राजाओं की ओर देखकर यह कहा कि ये समस्त राजाओं हे मनुष्यों, शिवजी के बिना अन्य कोई मनुष्यों को गति देने वाला नहीं है। देखो इस गोप पुत्र ने तो बिना मंत्रों के ही अपने स्वाभाविक प्रेम से कल्याणकारी शिवजी की पूजा करी, जिसे आज इतनी बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई है। और यही नहीं, यह यहाँ का समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके वंश की आठवीं पीढ़ी यहाँ यशस्वी नंद नामक एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जिसके पुत्र रूप से स्वयं नारायण कृष्ण उत्पन्न होंगे तथा आज से लेकर यह गोपी पुत्र संसार में श्रीकर नाम से लोकों में प्रसिद्ध होगा।
ऐसा कहकर शिव के अवतार अंजनी पुत्र हनुमान जी ने सब राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखकर उस बुद्धिमान गोप पुत्र श्रीकर को बड़े प्रेम से शिवजी का प्रिय लगने वाला आचार का उपदेश दिया। उसके पश्चात उन सबके देखते देखते हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सब राजा चंद्रसेन का बहुत सा सत्कार करके अपने नगर को चले गए। उसके पश्चात श्रीकर नाम प्राप्त कर उस गोप पुत्र ने बहुत से परम तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ बड़े प्रेम से महाकाल शिवजी की सेवा करी। समय आने पर दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सुगति स्वर्ग और शिव भक्ति देने वाला महात्म्य है। जो कोई मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। अब हम ओंकारेश्वर महात्म्य सुनेंगे। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आपने जो यह महाकाल नामक शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, इसके लिए हम आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं। अब आप कृपा करके हमें समस्त पापों का नाश करने वाले ओंकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां पर गोकर्ण नामक शिव की बड़ी पूजा करी और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां भी उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया, मैं ही सब कुछ हूँ। इससे वह अहंकार से भरकर नारद जी के पास जाकर खड़ा हो गया और मनुष्य रूप में अपनी अहम मान्यता प्रकट करी। तब उसके ऐसे भाव को देखकर नारद जी ने कहा कि तुम अवश्य ही सर्व गुण आगार हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है और उसका देवताओं में विभाग है, वहां तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए, परंतु विंध्याचल पर्वत अपने मन में ऐसा दुखी हुआ कि मेरा जीवन धिक्कार है, इसलिए मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना का तप करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार करके वह शंकर जी के शरणागत होकर प्रेम से ओंकार नामक शिव की पार्थिव मूर्ति बना करके पूजा करने लगा। 6 महीने तक नित्य वह शिव जी की कठिन आराधना करने लगा। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उससे बोले कि हे विंध्य, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। विंध्य ने कहा कि हे शंभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वर दीजिए जिससे मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुनकर भगवान बहुत देर तक अपने हृदय में विचार करते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा करता है। अब मैं क्या करूं जिससे कि इसका शुभ वरदान भी हो जाए और दूसरों को कोई कष्ट भी न हो। ऐसा विचार करके शंभु ने तथास्तु कहकर अपनी वहां स्थिति की और संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने वहां उपस्थित होकर उनकी पूजा करके यह प्रार्थना की कि आप यहीं स्थित हो जावें। फिर तो भक्त वत्सल शिवजी संसार के सुख के लिए वहां उसी प्रकार ओंकार और प्रणव इन दो नामों से सर्वदा के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन दो नामों से वहां प्रसिद्ध हुए। यह दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों के अभिष्टदायक तथा भुक्ति और मुक्तिदायक हुए। उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा करी और अनेकों वरदान पाए और वे सभी अपने स्थान को चले गए। विंध्य पर्वत ने भी अपने कार्य को साधा और दुख को त्याग दिया। जो व्यक्ति वहां जाकर शिवजी की पूजा करता है वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ओंकारेश्वर के इस महात्म्य को सुनता है वह शिव का श्रेष्ठ भक्त बन जाता है। अब हम केदारेश्वर महात्म्य सुनेंगे। सूत जी बोले कि हे द्विजो, धर्म पुत्र नर नारायण के अवतार की कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर नर नारायण को वर मांगने के लिए कहा, तो लोक कल्याण की कामना से नर नारायण ने भगवान शिव की प्रार्थना करी और वे बोले कि हे देवेश, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो स्वयं अपने रूप से
पूजा के निमित्त सर्वदा यहाँ स्थित रहिए। तब उन दोनों के ऐसा कहने पर हिम आश्रित केदार नामक स्थान में साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो स्वयं स्थित हो गए और उनका नाम केदारेश्वर नाम पड़ा। जो इन केदारेश्वर शिव का दर्शन और पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। केदारेश्वर के दर्शन से स्वप्न में भी दुख नहीं मिलता। एक बार जब पांडव वहां गए तो इन देव देव ने महिष का रूप धारण करके उनके समक्ष हो वहां से पलायन कर दिया, जो पांडव ने दौड़कर उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे वह नतमुक होकर वहां स्थित हुए और उनका शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। इससे पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई और शिवजी उनसे पूजित होकर वहां स्थित हो गए। शंकर जी का पूजन करके पांडवों के सभी दुख दूर हो गए और उनको मन वांछित फल मिला। तब केदार क्षेत्र में शंकर जी नित्य स्थित हैं, जिनका भारतवासी आज तक पूजन करते हैं। जो भक्तगण शिवजी की प्रीति के लिए वहां कंचन देते हैं वे शिवजी के समीप जाकर उनके रूप हो जाते हैं और वहां शंकर का रूप देखकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार बद्री वन जाने वाले जीवन मुक्त हो जाते हैं और यहां नर नारायण और केदारेश का दर्शन अवश्य ही मुक्तिदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां जाकर जो प्रेम से केदारेश्वर का पूजन करता है, जलपान करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे मुनीश्वरों, आपने जो कुछ पूछा वह मैंने सब कह सुनाया। इस महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।